क्वेश्चन नंबर 21 मिसेलेनियस एक्सरसाइज 9 का बेटा इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल वे है पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेंगे तो ये आएगा 3x - 1 / x - 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करें इसको पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहते हैं पावर 2 है ना तो एक और तो आ जाएगा x - 2 और एक बार आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर करें क्रॉस मल्टीप्लाई 3x minus 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ना तो पावर 2 है जिससे कैंसिल होके ओनली x minus 2 ही बचेगा इनटू a इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा ओनली b बचेगा a और b की वैल्यू निकालने का ये अच्छा तरीका है कि अपन किसी भी एक पार्ट को जीरो कर दें x की वैल्यू रख करके तो मैंने क्या किया इसमें x = 2 रखा यहां 2 3 जा 6 minus 1 और ये हो जाएगा 2 minus 2 यानी 0 plus 3 इस तरह की वैल्यू यूज करते हैं जिससे कि एक पार्ट उसका 0 हो जाए तो b is equal to मेरे पास हो गया अब मैं x कोई भी वैल्यू यूज कर सकता हूं क्योंकि 0 अब किसी से हो नहीं रहा है तो मैंने x को 0 ही यूज कर लिया यहां 0 into 3 0 हो जाएगा सिर्फ ये minus 1 ये 0 minus 2 minus 2 और a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है b वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है 5 को इस तरफ ले लो माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2a माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 2a a इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन माइनस 2 एंड 2 3 जा तो a इक्वल्स टू आ गया a और b दो ही अननोन कांस्टेंट थे अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन नया बना है ना वो क्या है पहले मेरे पास ये था इसको मैंने टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया a और b कांस्टेंट से जिनकी वैल्यू मैंने निकाल ली 3 और 5 आपको देखिए यहां पर 3 अपॉन x माइनस 2 और b की वैल्यू है मेरे पास 5 5 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 3x थोड़ा इजी तरह लगे इसलिए मैं इसको अलग अलग ब्रैक कर लेता हूं 3 x माइनस 2 इंटू dx प्लस ये 5 1 अपॉन x minus 2 का होल स्क्वायर dx 3 1 upon x इसको x कंसीडर कर सकते हैं अपने मन में इसको x मान लें कहीं लिखने की जरूरत नहीं है 1 upon x को कहेंगे log x log of x minus 2 plus ये 5 1 upon इसको x मान लो 1 upon x इसको क्या होता है minus 1 upon x ठीक है ना n plus c तो सिंपलीफाई करें हम इसको थोड़ा 3 log of x minus 2 ये वाला माइनस यहां आ जाएगा minus 5 upon x minus 2 n plus ये इसका आंसर आ जाएगा इजी क्वेश्चन है थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन के ढंग से करके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल है इसमें फॉर्मूले याद करने हैं आपको कई बार दिखा चुका हूं 1 minus cos a हो गया 2 sin square a upon 2 2a का a होता है a का होता है a upon 2 1 plus cos a होता है 2 cos square a upon 2 यहां अगर 2a होगा ना या a होगा या a होगा तो ये कितना हो जाएगा a by 2 हो जाएगा ये ध्यान रखना जितना ये एंगल होता है उसका ये आधा होता है अब हमारे यहां पर 2x तो इसका आधा देखो कैसे करेंगे 2 sin स्क्वायर इस एंगल का आधा x हो गया 1 plus cos यहां कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x एंड dx 2 से 2 कैंसिल sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर अब tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू इसको लिख देते हैं sec स्क्वायर x minus 1 10th क्लास में खूब पढ़ी हमने इसको अब sec स्क्वायर का होता है tan x और वन का होगा एक्स एंड प्लस बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अब आप इसमें क्या करो इन दोनों में से टू कॉमन लो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स ये टू अगर मैं बाहर रखूं कॉन्स्टेंट है ना तो वन अपॉन रूट टू हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 16 मतलब 4 का स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एन प्लस। सिंपल फॉर्मूला यूज करो, ए की जगह कितना फोर है तो सी ध्यान रखना, वन अपॉन रूट टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए कितना है फोर एन प्लस। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है, ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर में कहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, सीधा इंटीग्रल नहीं दिख रहा है तो इसमें आप वन इंटू कर लेते हैं, अब पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं, इसको तो बोल देंगे अपन यू और इसको बोल देंगे वी। यू इंटू वी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, यू तो ऐसे ही पढ़ा रहेगा, v का इंटीग्रल माइनस u का डिफरेंशियल इंटू v का इंटीग्रल एंड होल इंटीग्रल। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, ये log x का कुछ नहीं होगा पहले, इंटू वन इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x इंटू वन इंटू डी एक्स, और ये मेरे पास हो गया लॉग एक्स, वन का तो एक्स होता है माइनस, यहां पर कितना वन अपॉन एक्स और वन का हो जाएगा इंटीग्रल एक्स कैंसिल, इसको लिख सकते हैं एक्स लॉग एक्स माइनस वन का इंटीग्रल एक्स एन प्लस। कॉम्पिटिशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स इसका आंसर डायरेक्ट याद रखे, इसका आंसर याद बहुत जगह यूज होता है तो इसका डायरेक्ट याद रखे, एक्स कॉमन ले जाए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, बेस तो ही है एन प्लस। अब एक्स ध्यान से देखना, इसको लॉग एक्स बेस ई माइनस वन को क्या लिख सकते हो आप, लॉग ई टू दी बेस ई, इसकी वैल्यू वन होती है तो वन की जगह मैं ये लिख सकता हूं, लॉग एक्स माइनस लॉग ई प्रॉपर्टी होती है लॉग ई, लॉग ऑफ एम अपॉन एन बेस तो सबकी जगह सेम रहेगा, इसमें लॉग एम माइनस लॉग एन, जो बेस यहां लगा था उसी बेस को अपन इन दोनों में यूज करते हैं। तो अगर मेरे को राइट हैंड साइड पहले से पता है लॉग एम माइनस लॉग एन है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अचीव कर सकता हूं, इससे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स अपॉन ई एम माइनस एन एन टू दी बेस ई एन प्लस सी, ये इसका एक आंसर क्रिएट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसके आंसर को आप डायरेक्ट याद रखें ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स एंड एक्स प्लस वन, इस केस में आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो प्लस एक्स एंड डी एक्स, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे बनाते हैं, इस x के कोफिशिएंट को कितना है 1 है, इसके x के मल्टीप्ल में कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, इसका आधा करो 1 बाय 2 का स्क्वायर एड करो, इतना ही यहां पर सबट्रैक्ट करो। अब हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर मींस x प्लस r का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन टू ए, ए का कितना है ए वन बाय टू लॉग ऑफ यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस ए, ए एक्स से पूरा एक्स प्लस हाफ है एंड एक्स प्लस ए की जगह हाफ है एंड प्लस सी, टू से टू कैंसिल तो लॉग ऑफ ये हाफ से या हाफ कैंसिल एक्स अपॉन हाफ और आपके तबन हो जाएगा एक्स प्लस एंड प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़े छोटे थे, ऑब्जेक्टिवली आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लें, और ऑब्जेक्टिव आप पता ही है जैसे लॉग एक्स वाला था, लॉग एक्स का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग एक्स वाला क्वेश्चन का आंसर आप याद रखें, कॉम्पिटिशन डायरेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा।